हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, यूनिट थ्री, एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द बॉक्सेस विद ग्रेटर देन लेस देन। ओके स्टूडेंट, इनमें आपको ग्रेटर देन और लेस देन के चिन्ह लगाने होते हैं। ओके, देखिए एक एग्जांपल देके समझाते हैं। ये 4 है, ये 9 है। ओके स्टूडेंट, इनमें कौन सी डिजिट बड़ी है, 4 या 9? तो स्टूडेंट आप सभी जानते हैं 9 बड़ा होता है, तो जो भी डिजिट बड़ी होती है उसकी तरफ हम जो ये सिंबल होता है इसका मुंह ओपन कर देते हैं, और जो छोटी डिजिट होती है उसकी तरफ इसकी ये नोक रहती है। ठीक है जी, तो पता चलगा जो बड़ी डिजिट होगी हमेशा मुंह जो सिंबल है हमारा उसका माउथ उधर की साइड खुला रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हमें इनमें ये सिंबल इंसर्ट करने हैं, लगाने हैं। ओके स्टूडेंट, अब इन्हें करने के दो मेथड है स्टूडेंट। या तो आप ये डिजिट समझ में आनी चाहिए आपके कि ये क्या लिख रहा कि 5467 है जी, 1999। तो स्टूडेंट ये तो आपकी समझ में ये आना चाहिए कि इनमें कौन सा बड़ा है। तो आप देख सकते हैं भाई 5000 बड़ा है या 1000 बड़ा है। तो 1000 छोटा होता है, 5000 बड़ा होता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। यह स्टूडेंट एक अलग मेथड हो रहा है ना, उससे आपको ये 1000 है ये देखना कि भाई 1000 में 100 में है, कौन सी डिजिट है, कैसे है, तो ये सब से छुटकारा हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले आप इन नंबरों को काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 डिजिट है स्टूडेंट इस नंबर में, तो आप यहाँ पे 4 लिख लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिख लीजिए। अगर स्टूडेंट दोनों नंबर में इक्वल डिजिट है, 4 4 है, 6 6 है, 8 8 है, या जितनी भी है 2 2 है, तो स्टूडेंट आप लास्ट वाली डिजिट को मैच करेंगे। इसमें लास्ट वाली 5 है, इसमें 1 है, तो स्टूडेंट लास्ट वाली मैच करेंगे, तो बस और को आपको मैच करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे भी आपको ये पता चल जाए कि भाई ये नंबर बड़ा है, तो उसी की तरफ को मुंह ओपन कर देंगे। ठीक है जी, तो आप हमें यहाँ शुरू में ही पता चल गया कि 5 बड़ा होता है, 1 छोटा होता है, तो आप 5 की तरफ को इसका मुंह ओपन कर देंगे। ठीक है जी, तो ये डिजिट बढ़िया है, तो इसमें हमें ये देखना नहीं पड़ता भाई ये 1000 में है, लाख में है, करोड़ में है, मिलियन में है, कई में है, तो इससे बहुत आसान हो जाता है स्टूडेंट इस मेथड से। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है ना स्टूडेंट। तो अब देखिए लास्ट वाली डिजिट दोनों में 4 है, यहाँ 9 है स्टूडेंट, यहाँ 8 है, तो आप जानते हैं कि 9 बड़ा होता है, 8 छोटा होता है, तो 9 की ओर आप इसका मुंह ओपन कर देंगे। तो स्टूडेंट देखिए, जो ये मेथड जो है ना, ये आपको जैसे नर्सरी क्लास के क्वेश्चन होते हैं उनके जैसा हो गया भाई। नर्सरी एलकेजी यूकेजी में भी तो आपको आप 8 7 इन्हें कंपेरिजन करते हैं ना इनका, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन होगा कि कितनी भी बड़ी डिजिट है आपकी, करोड़ में भी है, तब भी आपका कंपेरिजन नर्सरी स्टैंडर्ड का ही है या एलकेजी यूकेजी स्टैंडर्ड का ही रहा है ना। तो अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों में इक्वल है स्टूडेंट। अब यहाँ पे भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो पहली जो डिजिट है वो इक्वल है। अगर पहली डिजिट इक्वल है तो स्टूडेंट दूसरी मैच करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों इक्वल है जी। अब फिर 7 है, यहाँ पे भी 7 है स्टूडेंट, तो फिर नेक्स्ट मैच करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप 5 बड़ा होता है, 0 5 बड़ा होता है, तो आप इसकी तरफ को मुंह इसका ओपन कर देंगे। ठीक है जी, देखिए है ना कितना आसान। अब नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट है इस नंबर में, अब 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है स्टूडेंट। आपका देख लीजिए यहाँ पे 9 है, यहाँ 8 है, तो आप स्टूडेंट जानते हैं कौन सा बड़ा होता है, 9 बड़ा होता है, तो 9 की ओर को इसका माउथ ओपन रहेगा।
ओके स्टूडेंट। अब 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इसमें स्टूडेंट 6 है, ये 7 है और ये 6 है। तो स्टूडेंट जब आपको पहले ही पता चलेगा भाई इसमें तो डिजिट ज्यादा है, इस नंबर में इसमें कम है, तो जिसमें ज्यादा डिजिट होगी वही बड़ा होगा ना, तो इसमें डिजिट मैच करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप इधर को मूव इसका जो है ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आप इधर को इसका मुंह ओपन कर सकते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 इसमें स्टूडेंट 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी 7 ही है स्टूडेंट। अब यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं 6 बड़ा होता है, तो हम 6 की ओर इसका माउथ ओपन कर देंगे। तो स्टूडेंट आप समझ गए, अगर सारे डिजिट इक्वल हैं तो फिर आप इक्वल का चिन्ह लगा सकते हैं। भाई यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 0 होता है, यहाँ भी 0 होता है, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होता है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 होता है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 होता है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होता है, और यहाँ 4 है तो 4, यहाँ भी 4 होता है, तो इक्वल आ जाता, ठीक है ना। लेकिन इसमें दिया नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट द लिखो, क्या लिखो, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्मेड बाई 569037। स्टूडेंट जो ये 6 डिजिट दी गई है आपको, इनसे आपको एक नंबर बनाना है, और वो भी ग्रेटेस्ट। आप जानते हैं कि ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हम किसी भी जो आपको डिजिट दी गई है उन्हें आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट कोई भी डिजिट आपको दी गई हो और उनसे नंबर बनवा रहा, तो आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, है ना, यानी कि बड़े से छोटे की ओर लिखना है आपको। अब देखिए इन सब में सबसे बड़ी डिजिट कौन है जी, 9, तो आप यहाँ पे 9 लिख देंगे। 9 से छोटी कौन है जी, 7, क्योंकि 8 नहीं है यहाँ, 7। 7 से छोटी 6, और 6 से छोटी जी 5, और 5 से छोटी 4 नहीं है, 3। 3 से छोटी 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 0। मैच कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 हो गए ना स्टूडेंट। तो अब ये 6 डिजिट नंबर बन गया ग्रेटेस्ट, यानी कि इससे बड़ी आप जो दी हुई डिजिट है, इससे बड़ी आप डिजिट कोई भी नहीं बना सकते। आप ये सबसे बड़ी है इन दिए हुए नंबर से जो बनी है, इससे बड़ी नहीं बन सकती, ध्यान रखें। अगर बनती है तो ये गलत है, ठीक है। अगर आप इससे बड़ी डिजिट बना सकते हैं तो स्टूडेंट ये फिर ये आंसर गलत है। तो सबसे बड़ी बनानी ग्रेटेस्ट। तो स्टूडेंट ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सब में छोटी, यानी कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे की ओर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है जी। अब स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखें, आपने ये डिजिट तो लिख दी, कभी आप इन सब में यहाँ एक कॉमा इंसर्ट कर दीजिए। अगर ऐसा कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये फिर नंबर नहीं बनेगा, डिजिट ही रह जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ये कोमे ना लगाए, पीरियड के कोमे आप लगा सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे एक कोमा लगा सकते हैं, ये पीरियड का है, वंश पीरियड का। और स्टूडेंट ये दूसरा कोमा आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं का है, ये 1000 का है, ये 1000 पीरियड है, ये वंश पीरियड है, ठीक है जी। तो दो कोमे आप इंसर्ट कर सकते हैं अगर चाहे, लेकिन आप हर डिजिट के बाद कोमा नहीं लगा सकते, ठीक है जी, याद रखें। अब है जी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्मेड बाय 872619, इनके द्वारा आपको एक स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी। तो स्टूडेंट आप जानते हैं जब हमने ग्रेटेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रयोग किया, तो स्मॉलेस्ट के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम का,
है ना, यानी कि छोटे से बड़े की ओर, ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। ओके स्टूडेंट ध्यान रखिए, आप देते सब में छोटी डिजिट क्या है, वन, वन से बड़ी टू, टू से बड़ी थ्री, इसमें है नहीं जी, फोर भी नहीं है इसमें, फाइव भी नहीं है, सिक्स सेवन एट और नाइन। ओके स्टूडेंट तो ये हो गई, ये आपकी स्मॉलेस्ट है, इससे छोटी नहीं बन सकती स्टूडेंट, ठीक है। अगर इससे छोटी बन सकती है तो ये गलत है, अगर किसी ने बना दी तो ये आंसर गलत है, पर स्टूडेंट इससे छोटी नहीं बन सकती, यही एक बेस्ट मेथड है, ठीक है। पहले आप सब में छोटी डिजिट लिखिए, फिर उससे बड़ी लास्ट में सबसे बड़ी लिखिए, यानी कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में प्रयोग कीजिए। बस इतना याद रखिए, अगर आपको कोई स्मॉलेस्ट नंबर बनवा रहा है तो आप असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, अगर ग्रेटेस्ट बनवा रहा है तो आप क्या करेंगे, आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। अब नेक्स्ट, राइट द फाइव डिजिट नंबर फॉर्मेट बाय द 56718। स्मॉलेस्ट बनवा रहा है स्टूडेंट तो सब में छोटा वन है, वन से बड़ा दिया हुआ है यहाँ जी फाइव, और फाइव से बड़ा सिक्स, और सिक्स से बड़ा सेवन, और सेवन से बड़ा एट। आप देख लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डिजिट हो गई ना, तो ये वंस के पीरियड के बाद हमने एक कॉमा इंसर्ट कर दिया, ठीक है जी। तो सब में छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी, ठीक है जी। ये ही होता है कि आपको स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट बनानी अच्छी तरह आ गई होंगी। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री, वो भी इसी प्रकार है, उसे भी आप जब आपने ये दो क्वेश्चन कर लिए तो ये आप नाप कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आपसे कंपेरिजन करना आ गया, क्वेश्चन नंबर वन का कंपेरिजन करना आ गया और ये आ गए, तो स्टूडेंट आपसे फिर स्मॉलेस्ट ये भी आ गया, तो जो क्वेश्चन नंबर फाइव है, फोर फाइव है स्टूडेंट, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो आप बिल्कुल आसान करें, आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फाइव को कराने के लिए एक बेस है ना, एक तैयारी है, ताकि आप क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव को अच्छी तरह कर सके, ठीक है जी। तो इसलिए आपसे ये क्वेश्चन आने चाहिए, अगर आपसे ये नहीं आते तो स्टूडेंट आप फोर फाइव क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने ये सीख लिया, ये असेंडिंग ऑर्डर होगा हमारा, ये डिसेंडिंग होगा, ये दोनों असेंडिंग होंगे। और स्टूडेंट इसमें एक बात हो रहा है, बता दें कभी भाई, फिर ये कहे कि भाई सर ने तो ऐसे बताया था, फिर गलत हो गया। अगर स्टूडेंट इसमें देखो जीरो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर स्मॉलेस्ट बनवा रहा है और इसमें जीरो, इसमें तीन नहीं, कोई भी जीरो नहीं है स्टूडेंट, देखिए कोई भी जीरो नहीं दे रखी है। हम मान लीजिए इसमें कोई जीरो है, तो आप जीरो को हम पहले नहीं लिखेंगे, मान लीजिए एक डिजिट दे दी, मान लीजिए आपको सेवन नाइन सिक्स ये दे दी, अब आपको नहीं रहे, अभी इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये वाले दे दी। अरे स्टूडेंट इससे कह रहा है कि आपको स्मॉलेस्ट डिजिट बनाइए, तो अगर आपने सोचा भाई जीरो समय छोटी है, पहले सब जीरो ही लिखेंगे, है ना, तो आपने फिर लिख दिया फाइव सेवन नाइन, तो स्टूडेंट ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये हमारे पास कितनी डिजिट थी, वन टू थ्री फोर, फोर डिजिट थी। अब ये जो हमने डिजिट बनाई है, हमने ये थ्री डिजिट नंबर बना, फोर डिजिट नहीं बना, ठीक है, तो इसलिए गलत है। वैसे तो है तो ये भी थ्री डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है, लेकिन ये फोर डिजिट नहीं रहा, क्योंकि कोई भी डिजिट है अगर आप इससे पहले यहाँ जीरो ऐड कर देते हैं, तो स्टूडेंट इस जीरो का कोई मान नहीं, जब भी ये फाइव डिजिट नंबर ही रहेगा, चाहे आप कितनी भी जीरो लगा लीजिए। तो इसी प्रकार आप अगर यहाँ जीरो लगाते हैं तो इस जीरो का कोई मान नहीं रहेगा, और इसकी जब फोर डिजिट की बजाय आपको थ्री डिजिट नंबर बना देगी। तो स्टूडेंट अगर ये किसी भी नंबर में आपको जीरो दे रखी है, सबसे आप जीरो को आप सेकेंड नंबर पर प्रयोग करें, क्या जीरो को आप हमेशा सेकंड नंबर पर प्रयोग करें, तो पहले आप लिखेंगे फाइव, फिर लिखेंगे जीरो, और फिर सेवन, फिर नाइन, अब ये आंसर सही है। अब फोर डिजिट नंबर भी है ये, ठीक है जी, तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन ये जो नियम बताया ये सिर्फ स्मॉलेस्ट के लिए है, अगर आपको डिजिट दे रखे है और आप उससे स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना चाहते हैं तो जीरो को हमेशा सेकेंड नंबर पर यूज करें, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर थ्री है जी, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्मेड विद द गिवन
डिजिट यूज ईच डिजिट वंस। ये कह रहा है स्टूडेंट आपको जो ये डिजिट दी गई है 6, 2, 8, 1 और 5 इससे आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं, है ना। जैसा आपने ये नंबर बनाए थे ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, है ना। अब आप एक डिजिट को आप दो बार प्रयोग नहीं कर सकते, एक डिजिट को एक ही बार प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी हमने आपको समझाया था, तो देखिए पहले स्मॉलेस्ट बनाना, तो आप स्मॉलेस्ट बनाना तो समय छोटी जी डिजिट है वो लिखेंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 1, 2, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5। तो स्टूडेंट ऐसे काउंट करके देख ले रहे, कभी कभी कोई डिजिट मिस हो जाती है, है ना। तो स्टूडेंट ये जो नंबर बना अब ये स्मॉलेस्ट नंबर बनगा। अब ग्रेटेस्ट बनाना है स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट के लिए हम पहले 8 लिखेंगे, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना। 8 देखो आप इसे अगर एक ही डिजिट को ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनवा रहा है स्टूडेंट, आप पहले जो भी डिजिट बनाएंगे उसे जस्ट अपोजिट लिख दीजिए। यहाँ 8 है तो 8 लिख दो, यहाँ पे 6 है तो आप 6 लिख दो, यहाँ 5 है 5 लिख दो, 2 है 1 है। तो स्टूडेंट देखिए इसकी ग्रेटेस्ट होगी, इसकी जस्ट अपोजिट होती है, उल्टी होती है, है ना। अगर आपने पहले ग्रेटेस्ट बनाया और इसी की स्मॉलेस्ट बना रहा तो फिर भी स्टूडेंट आप ऐसे लिख सकते हैं उल्टा करके उस नंबर को। अब स्टूडेंट अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें 0 दी गई है और स्मॉलेस्ट लिखना, तो हम 0 को शुरू में नहीं लिख सकते, पहले 1 लिखेंगे, 0 को हमेशा सेकंड नंबर पर यूज करेंगे, है ना। 0, 1, 2 नहीं है, 3, 4, 5 फाइव डिजिट थी इसमें, 5 डिजिट हो गई, तो स्टूडेंट ये सही हो गया। अब स्टूडेंट अगर आप सोच रहे हैं कि सर ने ऐसा कहा था उल्टा लिख दीजिए ऐसा, 5, 4, 3, 0, 1 अगर आपने ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा स्टूडेंट। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने देखा होगा तो 0 लास्ट में ही प्रयोग हो रही है ना, अगर आपको ग्रेटेस्ट बनाना तो 0 लास्ट में प्रयोग हो रही, तो इससे आप स्टूडेंट 0 को लास्ट में ही प्रयोग करेंगे, 5, 4, 2, 1, 0। तो अगर 0 है तो थोड़ी सी बात का ध्यान रखना है आपको, है ना, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सब में छोटी, ठीक है जी। अब ये वाली देख लीजिए, 2, 4, 6, 7, 9 तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख ली स्टूडेंट, अब इसे डिसेंडिंग कर देंगे, 9, 7, 6, 4, 2 ठीक है जी। तो ये आपका डिसेंडिंग यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, ये इसका आपका स्मॉलेस्ट बन गया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट जो भी नंबर आपको दिए गए हैं ये सब नंबर है, आपको इन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। स्टूडेंट यहाँ हम आपको एक बार एक बात बताना चाहेंगे कि नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट नंबर एक डिजिट में होते हैं, जो डिजिट होती है वो एक ही सिंगल डिजिट होती है, ऐसे 1, 2, 3 या कुछ भी, ओके स्टूडेंट। ये और जो नंबर होता है वो डिजिट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जो नंबर होता है वो डिजिट से मिलकर मिलता है, जैसे 2 डिजिट है, 3 भी डिजिट है, 9 भी डिजिट है, 0 भी डिजिट है, 2 भी डिजिट है। तो स्टूडेंट ये सारे इतनी डिजिट मिल गए, 5 डिजिट मिलकर एक ये नंबर बनाया, यानी कि 23,902 है, है ना। तो स्टूडेंट और जो सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट नंबर भी, उसे हम नंबर भी कह सकते हैं और डिजिट भी कह सकते हैं, लेकिन नंबर को हम डिजिट नहीं कह सकते, ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े की ओर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेट, ग्रेटेस्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके स्टूडेंट, आरोही क्रम, ये इसके नाम है जी इतने से, ठीक है। और मेथड हम वही रखेंगे स्टूडेंट जो हमने कंपेरिजन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, उसी मेथड का प्रयोग करना है इसमें। अब देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 इस नंबर में कितनी है, 5, 1, 2, 3, 4, 5,
फाइव, अब स्टूडेंट फाइव, अब सारी इक्वल है स्टूडेंट, है ना, कोई बड़ी नहीं है, अगर बड़ी होती या कोई छोटी होती तो सबसे पहले वही जाती है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़ी की, और यानी कि हमें क्या कंपेरिजन करना है, इनमें देखना है सम में छोटी डिजिट कौन सी है। तो स्टूडेंट जिसकी भी प्लेस लास्ट में सम में छोटी होगी वही सम में छोटी होगी। ये टू है, ये भी टू है, ये भी टू है, ये भी टू है, तो स्टूडेंट लास्ट की सारी प्लेस इक्वल है। अगर लास्ट की सारी प्लेस इक्वल होती है तो उससे नेक्स्ट मैच करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, और यहाँ पे नाइन है, नाइन है तो बड़ी हो गई स्टूडेंट, ये थ्री है तो ये भी जीरो से बड़ी होगी। तो टू नंबर ऐसे है हमारे पास जो जिनमें जीरो है, तो अब इन दोनों में कंपेरिजन करना कौन सा छोटा है। स्टूडेंट यहाँ पे नाइन है, नेक्स्ट देखा यहाँ भी नाइन है, स्टूडेंट यहाँ नेक्स्ट देखा यहाँ भी नाइन है और यहाँ भी नाइन है, और लास्ट में यहाँ पे थ्री है, यहाँ नाइन है। तो स्टूडेंट तो थ्री वाली डिजिट छोटी होगी, तो यही छोटी है, ये इससे बड़ी है, तो इन दोनों को लिख देंगे। जिसके साथ कंपेरिजन करते हैं वही इससे बड़ी होती है। ओके स्टूडेंट, अब दो डिजिट हमारे पास बची, ठीक है जी, ये टू, ये 29 है, 23 है, तो स्टूडेंट 23 छोटी होगी, हमें छोटी लेनी है। अब जो बच गई स्टूडेंट एक बच गई वो लास्ट मान देगी, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया। अब दूसरे वाला देखिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 स्टूडेंट सब में 5 5 है, तो इनकी भी लास्ट की मिलानी पड़ेगी। तो इसमें इसमें 9 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 7 है। तो स्टूडेंट 6 की, इसमें 6 है तो 6 वाली सब में छोटी है, तो सबसे पहले से लिखेंगे 6 1 1 0 7, ठीक है जी। जीरो भी इतनी ही बड़ी बनाए जितनी दूसरी डिजिट होती है। अब स्टूडेंट 7 वाली बड़ी है, 6 से बड़ी 7 होती है, तो 7 वाली हमारे पास 2 है, तो ये 7 6 है, ये 7 1 है, तो स्टूडेंट 7 1 छोटा होता है, तो हम ये वाली लिख देंगे। अब 7 6 वाली इससे बड़ी हो जाएगी, और लास्ट में 9 वाली हो जाएगी, 9 सबसे बड़ी है। और करने के बाद स्टूडेंट एक बार जरूर चेक करें कि आपका आंसर सही है नहीं है। देखो ये 6 है, सब में छोटा है, 6 से बड़ा 7 होता है, 2 7 है तो सेकंड डिजिट मैच करी, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, हाँ भाई 1 छोटा है, 6 बड़ा है, अब फिर यहाँ 7 था स्टूडेंट, तो ये 9 सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार आप इन्हें चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट इसमें 6 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 ही है, इसमें भी 6 है स्टूडेंट, इसमें भी 6 है, सब में 6 ही है। तो सब में छोटी कौन सी होगी, जिसका लास्ट का सब में छोटा होगा, 1 1 1 1, सब में 1 है स्टूडेंट, तो सब इक्वल है, तो सेकंड डिजिट मैच करेंगे, 3 0 2 और जी 2, तो स्टूडेंट ये जीरो वाली सब में छोटी है, तो हमने सबसे पहले से ही लिख दिया, ठीक है। अब जीरो से बड़ी वाली है जी 2 2 वाली, अब ये दोनों देखनी, ये तो आई गई हमारी, अब ये देखनी, इसमें 12 है, इसमें 12 है, स्टूडेंट यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो ये ही सब में छोटी है, इन दोनों में से ये ही छोटी है। अब ये वाली बड़ी है, इस अब स्टूडेंट क्या बचा आपके पास, ये बच गई बस, तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगी। वन थ्री टू जीरो जीरो टू, अब मैच करना चाहिए कर सकते हैं स्टूडेंट,
टेन, टेन से बटा ट्वेल्व है नी, यानी कि 120 है, तो यहाँ 122 होगा और यहाँ 132 होगा। तो स्टूडेंट ये सबसे बड़ी होगी, ठीक है जी। अब अरेंज द फ्लोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, मेथड यही रहेगा, ठीक है जी। बस डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। ओके स्टूडेंट, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। तो स्टूडेंट आप देख लीजिए, इसमें फाइव है, इसमें फाइव है, इसमें फाइव है, इसमें फाइव, सब में फाइव है, तो ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, सब में बड़ा देखेंगे, उसमें हमने सबसे पहले सब में छोटा देखा था, इसमें सब में पहले सबसे बड़ा देखेंगे। सबसे बड़ा फाइव, वन फोर फोर, तो फाइव वाली ही सबसे बड़ी है, ठीक है जी। और फाइव से छोटी कौन सी होती है, फोर, फोर वाली दो है स्टूडेंट, 43 1 43 1, इतना तो कंप्लीट है। अब ये फाइव है स्टूडेंट, यहाँ टू है, तो ये वाली छोटी है, ये बड़ी से बड़ी है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 4 3 2 1 5। अब 4 3 1 5 5। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या बचा, बनवानी बचगी, ये सब में लास्ट में लेंगे, ठीक है जी। तो ये जो मेथड है ना, इसमें हमें ये देखने की आवश्यकता नहीं भाई, पढ़ती रीड नहीं करना पड़ता है ना, कि भाई कितने थाउजेंड है, कितने हंड्रेड है ना, तो ये नहीं पढ़ना पड़ता। तो इसमें हम काउंट करें और सीधे लिख दें, तो ये बहुत आसान मेथड है जी। तो इसमें फाइव है, इसमें भी फाइव ही है, इसमें फाइव है, इसमें फाइव है, सब में फाइव है। तो हमें सब कौन सी देखनी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ा एट है। तो स्टूडेंट ये नर्सरी एलकेजी यूकेजी का ही मेथड है, हमें इतना ही कंपेरिजन करना। देखो 1 8 1 2 2, मतलब वो देखना कौन सा बड़ा है, तो भाई 8 ही बड़ा होगा है। अब 8 से छोटा कौन होगा, 2, इसमें भी 2, दो 2 है स्टूडेंट, तो यहाँ 28 है, यहाँ 22 है, तो 28 बड़ा होगा। और जिसके साथ कंपेरिजन किया स्टूडेंट, वो उससे छोटा होगा। अब सब में छोटा कौन होगा, वन वाला। एक बार कंपेरिजन, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए भाई, सबसे बड़ी एट से छोटी टू है जी। अब हमें इसके साथ कंपेरिजन करना, तो दूसरे नंबर पे यहाँ एट है, यहाँ टू है, एट से छोटा टू स्टूडेंट, यहाँ टू है, तो ये वन है, तो ये सब में छोटा हुआ है, ठीक है। ऐसे कंपेरिजन आप इन्हें कर सकते हैं। अब इसमें फाइव है, इसमें तो स्टूडेंट फाइव है, लेकिन इसमें सिक्स है, अब इसमें भी सिक्स है जी, और इसमें फोर है, ठीक है जी। तो इसमें अलग अलग डिजिट है, तो जिसमें अलग अलग है वो तो सब में आसान है स्टूडेंट। जो सिक्स वाली है, इस नंबर में सिक्स डिजिट है दोनों में, तो स्टूडेंट इन्हें कंपेरिजन करते हैं। तो इसमें नाइन है, इसमें थ्री है, तो नाइन वाला सबसे बड़ा है, 9 6 2 0 3 3। तो स्टूडेंट हमने इनमें कंपेरिजन किया, सिक्स वालों में तो नाइन, नाइन बड़ा होता है, थ्री छोटा होता है, जिसके साथ कंपेरिजन करते हैं उसे, उसके बाद लिखते हैं। अब स्टूडेंट फाइव वाली, फाइव वाली है, और फोर वाली स्टूडेंट ये है, तो इस प्रकार ये असेंडिंग डिसेंडिंग होने, इस अगर आप इस मेथड से करेंगे तो स्टूडेंट 100% सही होगा। अगर आपको मेथड अच्छी प्रकार समझ में आया होगा, तो अगर नहीं आया तो स्टूडेंट आप वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा समझने की कोशिश करें, और इन्हें एक बार रफ कॉपी पे अपना आप करके देखें, ठीक है जी। जो मैथ है वो प्रैक्टिस मांगता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परफेक्ट नहीं होंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके स्टूडेंट,
जरूर आप इन्हें अपनी रफ कॉपी पे करके देखें। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप स्टूडेंट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, दोबारा भी समझ सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।